हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने लिमिट एवं फिट के डिफरेंट सिस्टम्स की स्टडी की थी। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे फिट के लिए अलाउंस देने के डिफरेंट सिस्टम्स की, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, स्टार्ट करते हैं। किसी फिट के लिए अलाउंस देने के लिए दो प्रणालियां प्रयोग में लाई जाती हैं, होल बेसिस सिस्टम एवं शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में होल की साइज को फिक्स रखा जाता है एवं डिफरेंट फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट की साइज को कम एवं अधिक किया जाता है। इस सिस्टम में होल की साइज को कैपिटल एच से दर्शाते हैं। इसमें होल का लोअर डेविएशन जीरो होता है, यानी होल की बेसिक साइज ही उसकी मिनिमम लिमिट ऑफ साइज होती है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट की साइज को आधार माना जाता है, यानी इसमें शाफ्ट की साइज को फिक्स करके अलग अलग फिट प्राप्त करने के लिए होल की साइज को कम एवं अधिक किया जाता है। इसे स्मॉल एच से दर्शाते हैं। इस सिस्टम में शाफ्ट का अपर डेविएशन शून्य होता है, यानी कि शाफ्ट का बेसिक डायामीटर ही उसकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज होती है। इन दोनों सिस्टम्स में होल बेसिस सिस्टम ही ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि होल करने के लिए ड्रिल का प्रयोग होता है और ड्रिल एक निश्चित साइजेस में ही उपलब्ध होते हैं। अलग अलग साइज के होल करने के लिए अलग अलग ड्रिल का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि सुविधाजनक नहीं होगा। यानी होल के साइज को आसानी से कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, इसलिए होल की साइज को फिक्स रखना ही ज्यादा सुविधाजनक होता है। इसलिए होल बेसिस सिस्टम ही ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसे प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्टडी आईटीआई स्किल्स। जय हिंद।